चैलेंज दे रहा हूँ मैं 30,000 लाइक साइज वीडियो के अंदर, तो अगली वीडियो के अंदर मैं हरी मिर्च खाऊंगा। पहले सर मैं जॉब करता था। अच्छा जी, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करते हैं कंपनी है। अच्छा, तो वहाँ मैंने जॉब करी, रोज में छोड़ दी। छोड़ सर, ये सर पैशन मेरा ये था बेसिकली, और फादर साहब को एक सपना था कि वो ऐसा कुछ स्टॉल खोलें। अच्छा, अपना काम, अपना खुद का काम हो। क्या कहते हैं, चलो आ जाओ, आप आपको दिखाओ। और अगर आपने BMW में मीट नहीं खाया तो फिर आप कृपया करके कहीं और घर ले लो, वो ज़्यादा बेटर है यार। कई लोग ना वो मशीनी वाला होता है, वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा बारीक हो जाता है, वो ऐसे लगे न्यूट्री। हाँ, इतनी सारी रेडियाँ लगी हुई आगे, आम भी मिल रहा है। हाँ, बहुत पीस है, साइज देखिए 110 ग्राम का एक पीस है। बहुत बढ़िया यार, देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, मन नहीं कह रहा, आज तो मैं भी ट्राई कर ही लूँगा मटन, है कि नहीं। बड़ा पीस मैं बेचता हूँ। तो भाई बहुत टाइम से बोल रही थी कि मुझे BMW के शोरूम में जाना है, वहाँ पर गाड़ी देखनी है, गाड़ी देखनी है। अब देख, गाड़ी वाड़ी का मुझे नहीं पता, पर मैं BMW के शोरूम में जरूर ले आया हूँ, जो मेरे लिए एक्चुअली शोरूम से कम नहीं है। कहाँ पर आए जी? बंटी मीट वाले पे, BMW जो कि पश्चिम बिहार में है। और भाई एक से बढ़कर एक मटन की आइटम है इनके पास, एक से बढ़कर एक बोलूँगा। अगर आप देखोगे ना, आपके मुँह में पानी आ जाएगा। अगर आप पश्चिम बिहार के आसपास रहते हो और अगर आपने BMW में मीट नहीं खाया, तो फिर आप कृपया करके ऑनलाइन वेबसाइट पे जाओ किसी भी, और सर्च करो कहीं और घर ले लो, वो ज्यादा बेटर है। और मटन के अलावा, ये मैं भी है, मटन के अलावा आपको चिकन की बहुत आइटम मिल जाएंगी, वो भी खाना जरूर आए। और हमारी क्या कहते हैं, कुछ नहीं, चलो आ जाओ, आप आपको दिखाओ आइटम, दिखाता हूँ बैठो। ये हमारे भैया जी है। भैया कितने साल हो गए? 2.5 साल हो गए लगभग। 2.5 साल हो गए लगभग। तो ये देखो भाई, पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये घूंघट उठा, और ये देखो भाई, ये है जी साग वाला मीट, पालक मीट, पालक मीट, ये पालक मीट है भाई। तो सर्दियों में साग डाल देते हो? सर्दियों साग प्लस करते हैं। अच्छा, पालक की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है। बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में, कितना बढ़िया लग रहा है, देसी स्टाइल है वो, बढ़िया दिखाएंगे। ये है भाई इनका कीमा, हैंड मींस कीमा होता है। अच्छा, अरे वाह, अच्छा हाथ से ही पीस के, बहुत बढ़िया यार। कई लोग ना वो मशीनी वाला होता है, वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा बारीक हो जाता है, वो ऐसे लगे न्यूट्री। हाँ एग्जैक्टली, हमको हैंडमेड कीमा, हमको हैंड। और मटन जो अपना मटन करी टाइप होती है कुछ बढ़िया, बेसिकली मैं वो बनाता हूँ आपका बुना मीट बनाया मैंने स्पेशल। बुना मीट, हाँ जी। अच्छा, तो वो आपको अभी वो कुकर है, बड़ा हुआ कुकर है, दिखा दो। ये देख भाई, ये कुकर आ गया भाई, हर एक माल एकदम देसी मिलता है। ये देख भैया, कितने बजे आते हो, स्टार्ट करते हो? तो दिन में मेरी किचन है, किचन लगभग होते 12 बजे स्टार्ट, सुबह 12 बजे हो जाती है दोपहर को। इधर से आ गए, इधर से ये है भाई असली माल। तो ये भाई साहब, ये वैसे आप बनाते हो कुकर में ही हो? कुकर में सर, ये सीटी नहीं मारी हुई। अच्छा, मुन के बनाया है, पतीले बनाओ ना तो पतीले लगता है। हाँ, कुकर से क्या हाथ चलाने में आसानी होती है। थोड़ा पीस साइज देखिए, 110 ग्राम का एक पीस है। बहुत बढ़िया यार, देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, मन नहीं कह रहा, आज तो मैं भी ट्राई कर ही लूंगा मटन, है कि नहीं। बड़ा पीस मैं बेचता हूँ, थोड़ा सा एक बार और हिला के दिखाना, थोड़ा बढ़िया पीस। ये देखो भाई, बनी, ये देखो भाई, ग्रेवी इतनी बढ़िया ग्रेवी है। और इसमें टमाटर डालता है? इसमें टमाटर सर बिल्कुल लिटर बिट, बिल्कुल हल्का सा, तो एक काम करते हैं फिर टिक्कू जी, लगवाते हैं कुछ चीज़ें। और इनके पास एक बड़ी स्पेशल चीज़ है जो टिक्कू जी ने ऑर्डर की है, जो खानी खानी है, और वो है जी इनकी कीमा कचौड़ी। जी हाँ, हमने कचौड़ियाँ बहुत खाई हैं, अलग अलग तरीके की कचौड़ी खाई है, जयपुरी कचौड़ी खाई है, लेकिन जो ये कचौड़ी जो कह रहे हैं कीमा कचौड़ी, वो सुन के मेरे मुँह में आ गया पानी, और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी। तवा ग्रेवी, ये तवा ग्रेवी है, ये प्योर वेज है। अच्छा, पनीर डालूंगा तो तवा पनीर हो जाएगा, चिकन डालने के तो तवा चिकन। नहीं, वेज नहीं आया हमारे साथ, कोई वेज नहीं आया। लग्जरी भी तो है ना, लग्जरी ये है, तो लग्जरी भी है भाई, लग्जरी मटन, क्या बात है। तो एक काम करते हैं, लगवाते हैं कुछ बढ़िया बढ़िया आइटम, घर की रोटी और रुमाली रोटी दो ऑप्शन है, और करते हैं फिर टेस्टिंग साथ। तो अब दिखाता हूँ आपको बनता कैसे फूड, बहुत बढ़िया। ये है, ये लग रहा है जी हमारा, क्या नाम है इसका, ये भुना मटन, भुना मटन लग रहा है हाफ। और ये देखो भाई, ये सब कुकर में बनता है विदाउट सीटी, विदाउट सीटी मटन। जो करण भाई जा रहा है, क्या हाल चाल करण भाई? बढ़िया भाई, एकदम बढ़िया। आज आपको ऐसी चीज खिलाएंगे कि आप भी खुश हो जाओगे खा के, सीरियसली। करण भाई को इतना अच्छा लग रहा है, खुद ही लग गए हैं बनाने के लिए। ओहो, ये पीस देख रहे हो, मैंने ये पीस देख रहे हो, ये 110 ग्राम का पीस है, भैया कह रहे हैं इतना बड़ा पीस, कह रहे कि सिर्फ मैं ही देता हूँ और कोई नहीं देता। तो अच्छा भाई, भैया का दिल भी बड़ा है और दिल वाले भी आए खाने, तो बनता तो है ही ना। हम भी बड़े हैं, हम भी बड़े हैं। 3 आइटम ऑर्डर किए हैं और उसको अच्छे से डलवाते हैं प्लेट में बढ़िया से, और मसाला रोटी के साथ इंजॉय करेंगे। बहुत बढ़िया, मसालेदार होने वाला है। तो मन्नी के लिए कुछ है या नहीं है आज? मुझे यही लग रहा है, चरापी वाला चिकन। मन्नी कुछ खाएगा? फ्रूट्स है ना, फ्रूट्स है ना, फ्रूट्स है ना, फ्रूट्स खा लो यार, इतनी सारी रेडियां लगी हुई आगे, आम भी मिल रहा है। हाँ भाई, मटन भाई, मटन वालों के लिए है ये जगह, बढ़िया वाली जगह, जो मिलता नॉन वेज मिलता चिकन भी है, लेकिन स्पेशली मटन, मेरे लिए तो भैया मटन है।
तो ये लग रहा है हमारा कीमा कचौड़ी। जी कीमा कचौड़ी। तो भैया पहले क्या काम करते थे आप? पहले सर मैं जॉब करता था। अच्छा जी, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करते हैं कंपनी है। अच्छा, तो वहाँ मैंने जॉब करी, तो छोड़ दी। छोड़ सर, ये सर पैशन मेरा ये था बेसिकली, और फादर साहब को एक सपना था कि वो ऐसा कोई स्टॉल खोले। अच्छा, अपना काम, अपना खुद का काम, अपना खुद का काम। लेकिन जब से ये खोला है तो भगवान की देर है। अच्छा, चलो बढ़िया यार, बहुत बहुत अच्छी बात है। ये देखो भाई, ये इनका मटन का कीमा है इसके अंदर, और ख़ास बात ये है कि ये हाथ से कीमा बनाया हुआ है, ये कोई मशीनी कीमा नहीं है। मशीन से क्या होता है, इतना बारीक हो जाता है, इतना बारीक हो जाता है कि खाने वाला बंदा ये कन्फ्यूज़ होता है कि अरे यार, इसे लगता है पैसे मटन के ले लिए, लगता है सोया खिला दिया। पर नहीं, ये जब आप इसको बाइट करोगे ना, जब खाओगे रोटी के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये मटन का ही कीमा है। तो भैया स्विगी जोमेटो भी है? स्विगी जोमेटो है अभी, लेकिन बंद किया हुआ है। अच्छा, बंद किया हुआ है। ड्यू टू रश बहुत होता है, कस्टमर दूर दूर से आते हैं। अच्छा, अभी सुबह से ग्रेटर नोएडा से कस्टमर आ चुके हैं। अरे भाई, ग्रीन पार्क से आ चुके हैं, गांव से आ चुके हैं, बाकी ऑन दी वे हैं अभी। अच्छा, मतलब पहले बुकिंग हो जाती है? हां जी, आप पहले बुकिंग, आने से पहले बुकिंग हो जाती है। आप बुक कराइए, और रैपिडो ऐप है। ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे जल्दी खत्म होती है? जैसे आप बोल रहे थे पालक मीट खत्म होने वाला, मटन खत्म होता है सबसे, मटन सबसे पहले खत्म होने वाला। पीस पिक करते हैं वहां से, पीस पिक करके उसमें कॉकटेल करते हैं, कॉकटेल मटर के वैरायटीज बनाते हैं। तो गाइस, अगर आप भी मटन के शौकीन हो और आप खाना चाहते हो, यहाँ पे आना चाहते हो, तो वैसे तो सुबह 12:30 बजे आ जाते हो सर? 12 बजे किचन है। अच्छा, 12 बजे किचन है। किचन में 12 से लेकर 3:30 तक मिलेगा। अच्छा, लाइव बाकी यहाँ मिलेगा। फिर यहाँ पे कितने बजे शुरू करते हो? यहाँ पे सर लगभग अभी गर्मी है तो 5 बजे। 5 बजे सर्दी में आपका लगभग 3:30। ठीक है भाई। तो भाई स्क्रीन पे नंबर नहीं दूंगा, डिस्क्रिप्शन पर नंबर देखो, और डिस्क्रिप्शन पर नंबर लिखा है भैया का, कॉल करो, एग्जैक्ट लोकेशन भी पता चल जाएगी आपको, वो तो मैं गूगल पे डाल दूंगा। लेकिन अगर आपको मटन खाने का शौकीन हो ना, तो आके फटाफट बुक कर लेना पहले। ये देखो जी, कचौड़ी आ गई पहले। अच्छा जी, कॉम्बिनेशन अच्छा होगा, क्योंकि एकदम जो क्रंच आएगा ना कचौड़ी का, साथ में कीमा, ओए होए। क्या कॉस्ट क्या होगी इसकी भैया? सर 250 की है। 250 रुपये। देखो, सारी कॉस्ट जो है वो सारी घूम फिर के मटन पे आ रही है, क्योंकि मटन जो है वो वैसे ही बहुत कॉस्टली है। तो ये भी एक आइटम हो गया, एक लास्ट आइटम बचा है, उसके बाद लगवाते हैं मसाला रोटी और आराम से तीनों इन्जॉय करते हैं। तीनों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता ही है, एक हमारे साथ वेज है और एक हमारे साथ चिकन वाला बंदा। ये देखो भाई, ये है जी पालक वाला मीट, और इस पे से भैया निकाल रहे हैं हमारे लिए बढ़िया वाला पीस कोई। ये देखो, हाफ लगवा रहे हैं इसके भी, और ये भी तवे पे पकेगा बढ़िया से गर्म करके। ये ऑलरेडी सब कुछ गर्म हो चुका है, सब कुछ पक चुका है, बस यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी होती है, एकदम गर्म गर्म थोड़े से मसाले ऐड करके चटपटा बना के। ये हो गई जी तैयार। ओए होए, वैसे लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं, वैसे पता है मैं कहाँ गया था? मैं गया था कहीं अपना हैदराबाद गया था, तो वहाँ पर मैं किसी से बात करता कि किसी शेफ़ से बात करता कि ये आ गया रोगन, तो शेफ़ ना हंसने लग गया। मैं कहता कि यार ये रोगन नहीं है, पूरी दुनिया से रोगन कहती है, दिस इज़ नॉट कॉल्ड रोगन। असली रोगन जो बनता है ना, वो फैट से बनता है। लेकिन जो मैं फैट, फैट रिमूव कर देता हूँ। हाँ, फैट यूज़ नहीं करता तो खाने में फैट होगा, सीने का होता है। हाँ, वो खाने के रिमूव करता हूँ। बढ़िया है, क्योंकि दिल्ली के अंदर ट्रेंड नहीं है, दिल्ली के अंदर लोग विद फैट वाला मीट नहीं खाते हैं। वो ऊपर जब लाली आती है ना, बस तभी बंदे की बस जी बाहर निकलती है कि अरे भाई ये कहाँ आ गए हम बढ़िया मीट खाने के लिए। फाइनली ले आया तेरे को मैं BMW के शोरूम में, खुश? सही है, देखा मैंने कहा था तेरे को BMW के शोरूम में लेके जाऊंगा। हाँ खाऊंगा मैं, टिक्कू जी और पवनीत, हम तीनों खाएंगे। और हाँ, थैंक यू सो मच, आपने रिस्पॉन्स दिखाया इस पवनीत के लिए। बहुत सारे एप्लीकेशन आए हमारे को, ठीक है, बट अभी हम और चाहते हैं और आए, ताकि स्वयंवर टाइप हो सके। ये दिल से कपल में ब्लॉग आता है, हम उसके अंदर डालते हैं सारे रिश्ते। मन्नी का भी उसी में डाला हुआ है, रिश्ते ही रिश्ते, मन्नी का रिश्ता वही डाला हुआ है। 28 लो भाई, ये भी हो गया डन, तीनों चीजें रेडी हो चुकी है, सिर्फ एक चीज बची है, मसालेदार रोटी। और जी ये रे भाई हमारा साथ यार, ये भैया का ये जो टूल है ना, ये बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को, है पूरी ग्रेवी एक ही बारी में आ जाती है। बिल्कुल डाल दो। इससे किसकी याद आ रही है पता है? इससे अपने हैरी पाजी की याद आ रही है, हैरी उप्पल की, क्योंकि वो बोलता ना हरा हरा धनिया। अब ये मसाला रोटी लग रही है भाई, ये देखो, अरे हाय क्या बात है। ये इसका मेकअप हो गया भाई, ये हो गया बढ़िया मेकअप। अब ये सजना के लिए सज चुकी है, सीरियसली सजना कौन है? वो है हम इसको खाएंगे तीन लोग। कितनी खुशी हो रही है ना बोल के, हम तीन लोग खाएंगे सिर्फ।
हम तीन लोग खाएंगे। वो रही तीसरी औरत वो पीछे लंबी वाली खंबे की तरह। ये तो तुम्हें भी ये तो तुम्हें भी चटनी लगा के खा दे। ये तुम भी इतना लंबा है बोलो ना। कौन सा गाना है? खंबे जैसी खड़ी है लड़की है या छड़ी है। ये लो जी दलिया भी आ गया। रिस्टार्ट। ओ भाई साहब ये देख रहे हो मसाला रोटी भाई। ये तो भाई जबरदस्त चीज है यार। ये देख मसाला रोटी मसाला देख रहे हो क्या बात है भाई। और मेरी फेवरेट होने वाली है ये कीमा कचौड़ी, क्योंकि मेरे को देखने में अच्छी लग रही थी, कंसेप्ट अच्छा लगा, लेकिन खा के भी तो देख ले कि है कैसा। और मेरा दिल तो भाई इस पे आ गया है पालक मीट पे। तो पहले एक काम करता हूँ कीमा रोटी की कचौड़ी। अरे आलू की सब्जी नहीं है भाई साहब। ये सुकीमा कमाल है। मतलब कीमा कचौड़ी कभी ना सुना था। नॉर्मल कीमा कचौड़ी देखी हुई है, कीमा बाटी देखी है, बट दिस इज लाइक रियली गुड। क्रंच का क्रंच, मटन का स्वाद और मटन का जो सॉफ्टनेस है, इट इज सुपर डुपर अमेजिंग। अच्छा फ्यूजन एक्चुअली है ना। तो ये देख भाई ये लगा भाई पालक वाला मीट। और ऐसे टूट रहा है ये देख रहा है। ये देख ये आसानी से। Cheers. This is very good. और मैं खाने वाला हूँ अपना मीट का ये वाला पीस। वेरी गुड। एक्चुअली काफी सॉफ्ट है। भाई सच में दिल आ गया वाकई में। टेस्ट बहुत अच्छा है। ये खाना ना साफ सुथरा है। आप बाहर जाते हो थोड़ा सा मसाले पता लग जाता है कि मसाले गंदे हुए हैं। ये घर टाइप का बना हुआ है लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्वाद है। बहुत बढ़िया सीरियसली। मतलब खा के पेट नहीं खराब हुआ कहने का मतलब ये है। आप कभी भी यहाँ पे आओगे ना ये ट्राई करना चीज़ें, क्योंकि हम एक आधा चीज़ और लेने वाले हैं तो वो आपको वीडियो में देखेगी, लेकिन आकर ट्राई ज़रूर करना। वाकई में BMW है लग्जरी से कम नहीं है। है भाई अगर स्ट्रीट फूड की बात करूं तो स्ट्रीट फूड के अंदर लग्जरी मीट हो गए मेरे लिए। आई एम सो हैप्पी। देखो होता क्या है कि मैं सच कहूं आपको बड़ी सिंपली कि इस टाइप की दुकानें होती है ना ना वो ना दुकानें साफ सुथरी ज़्यादा नहीं होती हैं, बट यहाँ पर क्या है यू नो साफ सुथरी दुकान है, साफ सुथरे बनाने वाले भाई हैं, एंड यू कैन हैव अ फुल ट्रस्ट की जो अपना खाना बना रहे होंगे, इंग्रेडिएंट चूज कर रहे होंगे वो भी बढ़िया होंगे। बहुत बढ़िया यार बहुत बढ़िया। तो पवनीत एक बाइट ले, पवनीत बताएगी कैसा टेस्ट है। एप्लीकेशन सबमिट करो नीचे, आपको पता किस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ मैं, और उसका रिस्पांस आपको बहुत जल्दी मिलेगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा उस व्लॉग का, जैसे कपल वाले का। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया खाना, बहुत बढ़िया खाना बढ़िया। इसके बाद कहाँ जाना है? कर तो दिए वीडियो खत्म भाई। वीडियो को लाइक करे शेयर करे। और हाँ इस चैलेंज दे रहा हूँ मैं अपने आप को, इस वीडियो के अंदर अगर 30,000 लाइक्स आए इस वीडियो के अंदर तो अगली वीडियो के अंदर मैं हरी मिर्च खाऊंगा। क्या नाइस। सही सही। और भाई हरी मिर्च नहीं खाता, अगर नहीं आपको पता मेरी वीडियो देख लो छोले भटूरे वाली, वहाँ पे भाई ने हरी मिर्च का तंग मिर्च छुआ भी था। हाँ तो प्लीज मेरी प्लीज लाइक मत करना। प्लीज लाइक मत करना।